जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम अध्ययन कर रहे हैं संख्याओं के बारे में। तो आइए आज हम कौन से संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे इसके बारे में जानते हैं। 10, 20, 30, 40 बोलकर लिखना। अब क्या करना है हमें, हमें कुछ चित्र दे रखा है। अब उस चित्र में हमें गिन के अंक लिखने हैं और शब्दों में भी लिखना है संख्या को और अंकों में भी संख्या लिखनी है। तो प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों को दो अलग अलग रंगों के 50-50 मोती देता है और 10-10 मोती की माला बनाने को कहता है। मोती गिनिए, संख्या देखिए, संख्या का नाम सीखिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ये क्या है माला। अब इस कॉलम में तो क्या दे रखा है, माला के चित्र दे रखे हैं, मालाएं दे रखी है। एक माला में मोती कितने थे, 10 मोती थे। तो अगर एक माला है तो मोती कितने हैं, 10। दो माला है तो कितने हो जाएंगे, 20। फिर एक में तो एक कॉलम में तो है माला किस माला है और दूसरे कॉलम में है मोतियों की संख्या। एक माला में कितने मोती है, दो माला में कितने होंगे, तीन माला में कितने होंगे। तो हमें मोतियों की संख्या लिखनी है और उसके बाद में संख्या का नाम लिखना है। तो यहाँ तो है शब्दों अंकों में लिखा हुआ और यहाँ है शब्दों में लिखा हुआ। तो हमें अंकों और शब्दों दोनों में संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ माला कितनी है, पहले कॉलम में एक माला है तो एक माला में मोती कितने होंगे, 10। तो मोतियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो यहाँ हमने 10 लिख दी। अब संख्या का नाम क्या है, 10। तो ये शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, ये अंकों में लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है। फिर माला कितनी है, एक और दो। माला कितनी है बच्चों, दो माला है। तो दो माला में मोती कितने हो जाएंगे, 20 मोती हो जाएंगे। तो यहाँ मोतियों की संख्या कितनी लिख दी हमने, 20। अब संख्या का नाम लिखा है 20, तो 20 ये लिखा है यहाँ पे अंकों में और ये इस 20 को हमने लिखा है शब्दों में। फिर अगले कॉलम में है मोती, माला कितनी है, एक दो और तीन। माला की संख्या कितनी है, एक दो तीन माला है। तो मोती कितने हो जाएंगे, 30। मोती कितने होंगे, 30 होंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कितने संख्या का नाम क्या दे दिया हमने, 30। अंकों में लिखा हुआ है इस 30 को और यहाँ है शब्दों में लिखा हुआ 30। फिर है अगले कॉलम में एक दो तीन चार, कितने मालाएं हैं, चार मालाएं हैं, ठीक है। तो मोतियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40, क्योंकि एक माला में मोती कितने हैं, 10। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। तो मोतियों की संख्या हो गई 40 और यहाँ हमने शब्दों में लिख दिया है 40। यहाँ अंकों में लिखा हुआ है मोतियों की संख्या को 40 और यहाँ है शब्दों में लिखा हुआ, ठीक है। फिर मालाएं कितनी है यहाँ पे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मालाएं हैं। एक माला में मोती की संख्या कितनी है, 10 है। तो 5 माला में मोती की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। कैसे, देखो एक माला में कितने मोती हैं, 10 मोती है, 5 माला में 50 मोती हो जाएंगे। 10 10 को गिन लेते हैं 5 बार, 10 और 10 कितना होगा, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 और 10 50। तो मोतियों की संख्या कितनी होगी, 50। तो ये 50 तो लिखा है हमने अंकों में और ये लिखा है हमने शब्दों में। तो संख्या का नाम क्या है, 50। फिर अगले कॉलम में मालाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 मालाएं हैं। अब अगर 6 मालाएं हैं तो मोती की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। कैसे, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, ठीक है। तो मोतियों की संख्या कितनी है, 60। अब यहाँ पे संख्या का नाम क्या हो जाएगा, 60। ये 60 लिखा है अंकों में और ये 60 हो जाएगा शब्दों में, ठीक है। फिर अगले कॉलम में मालाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मालाएं कितनी हैं, 7। तो मोती कितने हो जाएंगे, 70। कैसे, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ दिया तो 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60 और 60 में 10 जोड़ा तो 70। तो 7 मालाओं में मोती हैं 70। संख्या का नाम क्या है, 70। इस 70 है अंक में लिखा हुआ, अंकों में लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है शब्दों में, ठीक है। फिर अगले कॉलम में है मालाएं, हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी मालाएं हैं, 8 मालाएं हैं। 8 माला में मोती कितने हैं, 80। कैसे,
देखिए 10 और 10 कितना होगा 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। तो मोती कितने हैं, 80 मोती हैं, और 80 को संख्या क्या लिखा है, संख्या का नाम क्या है, 80। ठीक है, तो 80 ये लिखा है अंकों में और यहाँ पे लिखा है शब्दों में 80। अगले कॉलम में है मालाएं कितनी हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मालाएं कितनी हैं, 9। तो मोती कितने हो जाएंगे, 90 मोती हो जाएंगे, क्योंकि एक माला में 10 मोती हैं। देखिए 10 और 10 20, 10 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90। तो मोती कितने हैं, 90, संख्या का नाम क्या है, 90। ये 90 लिखा है अंकों में और ये 90 लिखा है शब्दों में। फिर हमारे पास माला है अगले कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। माला कितनी है, 10 माला है। अब 10 माला में मोती कितने होंगे बच्चों, 100 मोती होंगे। कैसे कि 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। तो 10 मालाओं में मोती की संख्या हो गई 100। अब ये 100 तो लिखा है अंकों में और संख्या का नाम हमने क्या दिया है, 100। तो ये लिखा है अंकों में 100 और ये है शब्दों में 100। तो हमने 1 से लगा के 10 से लगा के 100 तक अंकों में और शब्दों में लिखना सीख लिया है। देखिए बच्चों 10 इस शब्दों में लिखा है ये ऐसे 10, फिर है 20 तो ये 20 शब्दों में लिखा हुआ, 30 तो ये 30 लिखा है शब्दों में, ये 40 है तो ये 40 लिखा है शब्दों में, 50 अंकों में और ये 50 शब्दों में, ये 60 अंकों में और ये 60 शब्दों में, ये 70 अंकों में और ये 70 शब्दों में, फिर ये 80 अंकों में और ये 80 शब्दों में, फिर है 90 अंकों में और ये 90 है शब्दों में, ये है 100 और ये 100 शब्दों में, ये अंकों में और ये 100 शब्दों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 से 100 तक हमें गिनती अंकों में और शब्दों में लिखना पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।